अंग्रेज सरकार को निकालने के लिए जब लाखों लोगों को शहीद होना पड़ा, जिसमें सभी धर्म के क्रांतिकारी थे, और इतने क्रांतिकारियों की कुर्बानी दिए जाने के बाद आखिर में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। लेकिन आज़ादी के समय भारत एक टूटा फूटा राष्ट्र था। क्यों? क्योंकि 565 रियासतों में से कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत में मिलना चाहती थी, कुछ रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो कुछ रियासतों को खुद का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि आज़ादी के समय किन किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था और उसकी वजह क्या थी, फिर इन रियासतों को कैसे भारत में मिलाया गया। ऐसे कई मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जब 1946 में भारत को आज़ादी मिली, उस समय भारत में तीन तरह की रियासतें थी, जिसमें पहली ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों वाली रियासत, जिन रियासतों पर सीधा इंग्लैंड के गवर्नर जनरल का नियंत्रण था। दूसरी रियासतें भारत के देसी राज्य, और यहाँ देसी रियासतें राजा के शासन के अधीन तो थी लेकिन ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। और तीसरी रियासत जो फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र थे, जिसमें गोवा, चंदन नगर, पौंडुचेरी जैसे छोटे छोटे राष्ट्र शामिल थे। अब अंग्रेज सरकार से हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन एक शर्त पर, जो आप जानते हैं, इस देश को दो टुकड़ों में बांटकर, जिसमें एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने इन 565 रियासतों के सामने तीन विकल्प रखे। पहला, या तो भारत में शामिल हो, दूसरा, या तो पाकिस्तान में शामिल हो, और तीसरा, या खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र बनो। तो यहाँ पर कुछ रियासतें ऐसी थी जो आज भारत का हिस्सा है, उन दिनों उन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था। तो अब हम उन रियासतों के बारे में बात करेंगे जो भारत में मिलने से मना कर रही थी। पहली, त्रावणकोर रियासत। तो त्रावणकोर रियासत दक्षिण भारत में थी, जहां पर आज हमारा केरल राज्य है। वहां पर इस राज्य पर त्रावणकोर राज परिवार का शासन था, और यह पहली रियासत थी जिसने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। साल 1946 में त्रावणकोर के दीवान रामास्वामी अय्यर ने त्रावणकोर को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा की थी। यहाँ के राजा श्री तिरुनल बलराम वर्मा के राजकाल में, जो 1924 से लेकर 1949 तक था, इस दौरान त्रावणकोर ने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई प्रयत्न किए थे, जिस कारण त्रावणकोर ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की दूसरी सबसे समृद्ध रियासत बन गई थी। क्योंकि आप भी यह जानते हैं कि केरल यानी त्रावणकोर समुद्र के किनारे स्थित राज्य है, जो मानव और खनिज संसाधन दोनों में समृद्ध था। यहाँ पर मुस्लिम लीग के कुछ नेता द्वारा त्रावणकोर राज्य को भारत से बाहर रहने के लिए भड़काया गया था। लेकिन जब जुलाई 1940 के अंत में केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य द्वारा इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, तब उन्होंने 30 जुलाई 1946 को त्रावणकोर ने भारत में शामिल करने पर सहमति जता दी और वे भारत में मिल गए। दूसरी, जूनागढ़ रियासत। उन दिनों जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके का एक बड़ा राज्य था, जो आज भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आज़ादी के समय पर वहाँ के नवाब महावत खान की रियासत में ज़्यादातर हिंदू लोग थे, पर मुस्लिम लीग के इशारों पर जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श को निकालकर बेनजीर भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो को वहाँ का दीवान बनाया गया, और नए बने दीवान शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ के नवाब महावत खान पर दबाव बनाया, और इस दबाव में आकर महावत खान ने 14 अगस्त 1940 को जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सरदार पटेल ने जूनागढ़ के दो बड़े प्रांत मांगरौल और बाबरियावाड़ पर गुरु दयाल सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर कब्जा कर लिया, और फिर नवंबर महीने में भारतीय फौज ने पूरे जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। वीपी मेनन और पटेल के इस फैसले से लॉर्ड माउंटबेटन नाराज हो गया। इसके बाद पटेल ने उनको खुश करने के लिए जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 90% से ज्यादा जनता ने भारत में मिलना इस बात का स्वीकार किया। इस तरह से 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ देश का हिस्सा बन गया और महावत खान पाकिस्तान भाग गया। तीसरी, भोपाल रियासत। भारत में शामिल होने वाली आखिरी रियासत भोपाल थी। इस रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान, जिनकी रियासत भोपाल, सीहोर और रायसेन तक फैली हुई थी। इस रियासत की स्थापना 1723-24 में औरंगजेब की सेना के अफगान योद्धा के दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। इस रियासत की बगावत के लिए जिन्ना ने इस नवाब को पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहां आने की पेशकश की थी,
लेकिन नवाब को रियासत का मोह था, इसलिए उसने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बन जाने को कहा, ताकि वो पाकिस्तान जाकर सेक्रेटरी जनरल पद भी संभाल सके। लेकिन आबिदा ने इससे इनकार कर दिया। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान साल 1926 में इस रियासत के नवाब बने थे। वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षित थे और दो बार 1931 और 1944 को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बने और भारत विभाजन के समय भी वे ही चांसलर थे। 1948 के मार्च महीने में नवाब हमीदुल्ला ने भोपाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा की थी और उसके अगले महीने नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल तैयार किया। लेकिन वीके मेनन और सरदार पटेल ने उन पर भारत में शामिल होने का दबाव बनाया, जिस कारण भोपाल के नवाब ने 30 अप्रैल 1949 को भारत में विलीनीकरण पर हस्ताक्षर कर दिए और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। उसके बाद कश्मीर रियासत, जिसके बारे में आप जानते हैं। इस रियासत के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंटवारे के समय कश्मीर के राजा ने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था, लेकिन राजा हरि सिंह का यह फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा के कुछ ही दिन बाद जिन्ना के कहने पर 20 अक्टूबर 1940 को कबायली लुटेरों के भेष में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेज दिया और वे लूटपाट चोरी जैसी तबाही मचाते हुए पूर्वी कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यह देखकर महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से सैन्य मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1940 को दोनों देशों के बीच विलय का समझौता हुआ, जिसमें कश्मीर की रक्षा, कश्मीर के विदेशी मामले और कश्मीर का संचार भारत के हवाले कर दिया गया और उसके बाद कश्मीर भी भारत में मिल गया। लेकिन तब से लेकर आज तक कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का मैदान बना हुआ है। और आखिरी हैदराबाद की रियासत। डेक्कन के पठार में स्थित हैदराबाद की रियासत काफी साधन संपन्न थी। आजादी के समय जिसका नवाब निजाम उस्मान अली खान था। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट की एक खबर के अनुसार हैदराबाद के निजाम की कुल संपत्ति 237 अरब डॉलर के आसपास थी और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर हम आज भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की बात करें तो उससे 5 गुना ज्यादा संपत्ति हैदराबाद के नवाब के पास थी, और वो भी आज से 70 साल पहले। इसलिए यह नवाब उस समय दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शामिल थे और उस समय इस रियासत में भी 85% हिंदू थे, लेकिन सेना और शासन में मुस्लिमों का दबदबा था। अंग्रेज सरकार के शासन में भी हैदराबाद में अपनी सेना, अपनी रेल और अपने डाक तार विभाग हुआ करते थे। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी हैदराबाद रियासत बड़ी थी। शुरू शुरू में निजाम की ख्वाहिश हैदराबाद की रियासत को एक अलग देश बनाने की थी, लेकिन निजाम पाकिस्तान और इंग्लैंड की सरकार के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। निजाम को जिन्ना ने भरोसा दिलाया था कि वो भारत के खिलाफ सैन्य कार्यवाही से पीछे ना हटे और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की सेना भी उसका साथ देगी। लेकिन सामने सरदार पटेल हैदराबाद की आजादी को भारत माता के पेट में कैंसर की तरह देखते थे। माउंटबेटन चाहते थे कि हैदराबाद भारत में शांतिपूर्वक मिल जाए और नेहरू भी इस बात का समर्थन करते थे, लेकिन पटेल हमले की कार्यवाही करना चाहते थे। और इसी बीच हैदराबाद को लड़ाई के लिए उकसाने वाले जिन्ना की मृत्यु हो गई और सरदार पटेल ने इस मौके को देखकर पुलिस कार्यवाही का सहारा लिया। भारतीय पुलिस ने हैदराबाद पर आक्रमण करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था, जो 13 सितंबर 1948 से लेकर 18 सितंबर 1948 यानी 5 दिनों तक चला था, क्योंकि उस समय हैदराबाद में दुनिया में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। और 5 दिनों के अंदर ही हैदराबाद की कमर टूट गई और 17 सितंबर 1948 को निजाम उस्मान अली ने पटेल के सामने हाथ जोड़ दिए और भारत में मिलने पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी आजादी के दौरान भारत 565 देशी रियासतों में बटा था और ये देशी रियासतें स्वतंत्र शासन में यकीन रखती थी, जो सशक्त भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी। जूनागढ़, कश्मीर तथा हैदराबाद तीनों राज्यों को सेना की मदद से विलय करवाया गया। सरदार पटेल तब अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री भी थे। तो इस तरह आपने जाना कि अंग्रेजों ने किस प्रकार टूटा फूटा देश हमारे नेताओं के हवाले किया था। यदि हमारे देश में उस समय सरदार पटेल जैसा नेता नहीं होते तो पता नहीं आज हमारे देश का नक्शा कैसा होता। और इतने बड़े देश को एकता के सूत्र में बांधना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए वल्लभ भाई पटेल को आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है।